आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिम जाने से थोड़ी देर पहले कुछ खा के जाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मसल्स बनानी है, या जिनका एम होता है कि जिम जाके अच्छी एनर्जी फुल वर्कआउट्स करें, और वो जिम जाने से पहले केले, दूध या अंडे ऐसी चीजें खा के अपना पेट भर के जिम में जाते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आपको जिम जाने से पहले क्या खाना चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग ये सब चीज़ें खा के जिम जाते हैं, या जिम के बाहर खा के तब जिम के अंदर जाके अपना वर्कआउट शुरू करते हैं, क्या ये सब सही है? आज इसी सब के बारे में बात करेंगे। कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मील, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मील के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मोस्टली लोग सही नहीं समझ पाते हैं और उसमें गलतियां करते हैं। मैं ब्रेकफास्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मील है और दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट मील्स में से एक आती है, बट आपने एक्सरसाइज करने से पहले क्या खाया और उसकी साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपके वर्कआउट अच्छे करने के लिए, आपके वर्कआउट्स में फुल एनर्जी होने के लिए, प्लस आपके वर्कआउट्स के बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल पाए उसके लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, बहुत लोग क्या करते हैं कि जिम जाने से बिल्कुल थोड़ा सा पहले, जब घर से निकलते हैं या फिर जिम के बाहर अपनी गाड़ी में ही बैठ के केले खाते हैं, दूध पीते हैं, या बनाना शेक पी के जाते हैं, या एक मास गेनर लेके जाते हैं, वो लोग जो कि जिनको मास गेन करना है, या कुछ और चीज़ें खा के जाते हैं, अंडे वगैरह खा के जाते हैं। बट अगर ढंग से देखा जाए तो क्या ये सही है? सिंपल आंसर, बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव प्रोसेस को पढ़ें, समझें, देखने की कोशिश करें, तो आपकी बॉडी को 2 से 2.5 घंटे चाहिए होते हैं किसी भी फूड को अपने स्टमक में जाने के बाद, उसको डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी और उससे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो अगर आपने जिम जाने से बिल्कुल पहले, 15-20 दिन पहले, आधे घंटे पहले कुछ खा के ये सोच के आप जिम में जा रहे हैं कि एनर्जी रहेगी और आपका वर्कआउट अच्छा रहेगा, तो ये शायद आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो दे दे, लेकिन रियलिटी में जो आपके रिजल्ट्स आएंगे लॉन्ग टर्म, वो कभी नहीं आ पाएंगे। दूसरा, आपके रिजल्ट्स या जो आप मैक्सिमम अपनी बॉडी में एक अच्छी प्री वर्कआउट मील से रिजल्ट ले सकते हैं, वो आप कभी भी नहीं पा पाएंगे। आपने खाया, आप जिम गए, आपने वहां पर जाके वर्कआउट कर लिया, उसके बाद में अपना प्री पोस्ट वर्कआउट मील या प्रोटीन है वो भी ले लिया, उसके बाद कहीं जाके आपने जो पहले जिम से पहले खाया था उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। तो आप सोच सकते हैं, मतलब कि अगर आपने सिंपल कार्बोहाइड्रेट लिए हैं तब भी 90 मिनट्स एटलीस्ट चाहिए आपको उसका एनर्जी अपने सिस्टम में आने के लिए। मैं रिकमेंड करता हूं, या जो बेस्ट साइंटिफिकली प्रूवन वे है या तरीका है, वो ये है कि एटलीस्ट 2 घंटे पहले या 90 मिनट्स पहले आप एक ऐसा मील लें जो कि होलसम हो, जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, साथ ही साथ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करे जो लंबे टाइम तक चले, आपको 1-1.5 घंटे तक एनर्जी देती रहे, क्योंकि जो आपका वर्कआउट सेशन है, ताकि आप का पूरा वर्कआउट जो है वो एनर्जी से फुल रहे, आपको वर्कआउट के पूरे टाइम के अंदर एनर्जी मिलती रहे और आप एक अच्छा वर्कआउट करें, जिससे कि आपके मसल, जो टारगेटेड मसल्स हैं जो आप डैमेज करने हैं आपको, या फिर जिनको आपको फटीग लेके आना है ताकि वो दोबारा से रीग्रो हो, उनको आप पूरी एनर्जी से टारगेट करके अपना वर्कआउट कर सकें। अगर आप वेट लॉस पे जा रहे हैं, तब भी अगर आप जिम के अंदर जाकर अपना कार्डियो कर रहे हैं या अपने दूसरे वर्कआउट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर भी अगर आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो बॉडी आपकी फास्टिंग स्टेज में चली जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म जितना स्पीड से बढ़ना चाहिए उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगा। तो जो साइंटिफिक वे है वो ये है कि 120 या से 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे से 2 घंटे के पहले आप अपनी प्री वर्कआउट मील लें। प्री वर्कआउट मील में होना क्या क्या चाहिए? प्री वर्कआउट मील में आपके हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, बेस्ट है उसके अंदर दलिया या आप ओट्स ले सकते हैं। अगर ये नहीं है,
तो घर में आप ब्राउन राइस या नॉर्मल राइस, पॉलिश्ड राइस ना हो, वो ले सकते हैं दही के साथ में, या फिर बॉइल्ड पटेटो या स्वीट पटेटो या शकरकंदी जिसको बोलते हैं, वो ले सकते हैं दही के साथ में, थोड़े से हल्के से उसमें नमक मिर्च डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, इससे ज्यादा मसाले ना डालें उनके अंदर। साथ में आप एक अच्छा सा फ्रूट लें, कोई फ्रूट के अंदर बनाना भी हो सकता है इफ यू आर ऑन वेट गेन एंड ऑल, एप्पल लें जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अच्छा प्री वर्कआउट है। और साथ में आप हनी वगैरह का यूज कर सकते हैं अगर आप अपनी ओट्स की मील ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हनी ना तो सिर्फ एक अच्छा, बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, प्लस काफी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, मल्टी विटामिन और मल्टी मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी जो प्री वर्कआउट मील है वो 90 मिनट्स टू 120 मिनट्स पहले होनी चाहिए। उसमें आप ओट मील ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, बॉइल्ड पटेटो, स्वीट पटेटो ले सकते हैं, साथ में एक फ्रूट रखें। और अगर आपको वेट गेन करना है और दूध वगैरह पीना है तो दूध बिल्कुल ना रखें, क्योंकि दूध आपके सिस्टम में आने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, बहुत अच्छा फैट कंटेंट होता है उसके अंदर। तो दूध बनाने का शेक वगैरह अगर आपको पीना है, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, तो एटलीस्ट 2.5 घंटे पहले लें उसको। उसके बाद आता है कि आपने जिम जाने से इमीडिएटली पहले भी कुछ लेना है या नहीं लेना है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं वो चीजें जो आपको अच्छा पंप दें। मैंने अपना पहले एक वीडियो बनाया था प्री वर्कआउट, बेस्ट प्री वर्कआउट, बेस्ट नेचुरल प्री वर्कआउट के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें जो मैंने बताया था पूरी डिटेल के साथ में, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जस्ट टू गिव अ जेस्ट ऑफ इट और ब्रीफ ऑफ इट। जैसे मैंने बताया, आप एक सेब ले सकते हैं, साथ में डार्क चॉकलेट लें और एक ब्लैक कॉफी लें स्ट्रॉन्ग सी, और आपकी प्री वर्कआउट मील जो है वो आपको एनर्जी दे रही है, और आपका प्री वर्कआउट जैसे मैं जो मैंने बताया नेचुरल, वो आपको अच्छा पंप देगा, आपको अच्छी वेस्कुलरिटी देगा। और इन सब चीजों को लेके आप अपना मील कंप्लीट करें और जिम में जाएं, एंड आई कैन गारंटी कि आपका रिजल्ट्स जो है वर्कआउट का बहुत अच्छा आएगा। और अगर हाँ, जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप लोगों से, कि अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दिस चैनल फील द पावर प्रोवाइड्स यू साइंटिफिकली रिसर्च्ड नॉलेज, वी डोंट बिलीव इन शेयरिंग ब्रो साइंस विद यू, वी बिलीव इन ब्रेकिंग मिथ्स एंड प्रोवाइडिंग यू द राइट नॉलेज अबाउट द फिटनेस एंड अबाउट स्टेइंग हेल्दी इन योर लाइफ, एंड वी कीप ऑन ब्रिंगिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज टू यू, एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन, फील द पावर।